शतक जड़ते ही जीती टीम इंडिया, तो रोहित के बयान से डरा पाकिस्तान। रोहित का मैच के बाद बयान सुनते ही घबराए पाक कप्तान बाबर आजम। मैच जीतने के बाद हिटमैन रोहित शर्मा ने दे डाली पाक को बड़ी चुनौती। भारत और अफगानिस्तान का मुकाबला अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जिसमें टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 272 रन बनाए। जवाब में भारत ने 35 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया और अपने विजय रथ को आगे बढ़ाया। टीम इंडिया ने इस मैच को 8 विकेट से अपने नाम कर लिया। रोहित शर्मा ने दिल्ली में अफगानिस्तान की गेंदबाजी को अकेले ही ध्वस्त कर दिया। 140 रनों की पारी के लिए रोहित शर्मा ने 84 गेंदों का सामना किया। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में थाकट प्रदर्शन करने के बाद रोहित शर्मा ने मैच के बाद कुछ अहम बातों का जिक्र किया। रोहित शर्मा ने कहा कि टूर्नामेंट में शुरुआत के दौरान मोमेंटम होना जरूरी होता है। हमारे लिए ये अच्छी जीत रही, ये दबाव में सही फैसले लेने के बारे में होता है। विपक्षी टीम से कुछ मौकों पर ऐसा स्पेल होता है जिसमें आप प्रेशर को झेल पाते हैं। हमारी टीम में अलग कौशल वाले खिलाड़ी हैं, वे अलग विशेषताओं को गेम में लाते हैं। हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने गेम को निडरता से खेलते हैं और पिछले मैच की तरह दबाव भी खेलने वाला लोग हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बारे में पूछे जाने पर रोहित शर्मा ने कहा कि हमें सिर्फ उन चीज़ों के बारे में देखना चाहिए जिनको हम नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे लिए सिर्फ ये चीज़ें अहम हैं, हमें अच्छा करने की आवश्यकता है। भारतीय कप्तान ने आगे कहा कि पिच कैसी है और हम और टीम में कौन खेल सकता है, इन चीज़ों को हम नियंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है उसकी चिंता हम नहीं करते। खिलाड़ी के रूप में हम क्या कर सकते हैं इस बारे में भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आपको बता दें कि भारत ने 273 रनों का लक्ष्य है 15 ओवर शेष रहते हासिल कर लिया। रोहित शर्मा ने वनडे वर्ल्ड कप का अपना 7वां शतक भी जमा दिया, उनसे पहले ऐसा किसी ने नहीं किया। सचिन तेंदुलकर के नाम 6 वर्ल्ड कप शतक थी, उनका रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने तोड़ दिया। टीम इंडिया ने लगातार दूसरा मुकाबला जीता। इससे पहले भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में भी जीत दर्ज की थी। कोहली ने उस मैच में 50 जड़ी थी और इस बार भी अर्धशतक जमाया है। भारत ने अफगानिस्तान को एक तरफा मुकाबले में हरा दिया। भारत को इस जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में भी काफी बड़ा फायदा मिला है। भारत ने वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। अब भारत पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर आ गया है। पहले स्थान पर न्यूजीलैंड की टीम विराजमान है। भारत को वर्ल्ड कप के दोनों मैचों को एक तरफा जीत मिली है, इस कारण से भारत का रन रेट काफी बेहतर हो गया है। तो आप भी रोहित शर्मा के इस बयान पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।